छत्तीसगढ़ के शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी मात्रा में राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर एग्जिट हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास को घेराव करने के लिए निकले हुए हैं, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको रोक लिया है। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थी सर मुंडवाने से लेकर बूंद पुलिस तक करे और कई तरह के प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक जमे रहेंगे तब तक बात नहीं सुनी जाएगी और उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। दरअसल शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ज्वाइन करवाने को लेकर शासन प्रशासन से मांग कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल खत्म होते ही जैसे ही अनलॉक हुआ प्रदर्शन हो रहे फिर से शुरू हो गए हैं। अभी इस समय पर बूढ़ा तालाब में हम लोग मौजूद हैं। इस समय पर राजधानी का धरना स्थल है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीछे ये भीड़ मौजूद है, ये शिक्षकों की भर्ती के लिए जो लोग आए हुए हैं ये हैं। इनका रिजल्ट आ चुका है, इनको ज्वाइनिंग देने की बात कही जा चुकी थी, इनके पास ज्वाइन लेटर है, लेकिन इनका अभी तक ज्वाइनिंग इनकी नहीं करवाई गई है, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग पूरे प्रदेश भर से मौजूद, तकरीबन 14,000 ऐसे हैं अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग करवानी थी। इनको दो दो बार कम से कम यहाँ पर इनरोलमेंट हुआ वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं इनकी। अब जो चीज़ें बची हैं उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 16 तारीख से स्कूल शुरू हो चुके हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है तो अब प्रदर्शन करने पर ये लोग उतारू हैं, क्योंकि इनको इनका कहना ये है कि जब तक हमारी भर्ती नहीं होगी तब तक यहाँ से ये हटने वाले नहीं हैं। मैं थोड़ा नज़दीक आकर के कोशिश करता हूँ कि इनसे सीधा बात करने की कोशिश करता हूँ। लोग यहाँ पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो चल रहा था सुबह से, ये प्रदर्शन अब 11 बजे से शुरू है और अब ये जो है तो बूट पॉलिश कर रहे हैं ये लोग बूट पॉलिश करके अपना विरोध जता रहे हैं कि इनकी नियुक्ति होनी थी और ये नियुक्ति नहीं हुई है, और इनकी नियुक्ति जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। सुबह से आज बैठे हुए हैं और ये प्रदर्शन दोपहर तक अभी निरंतर जारी है और शाम तक लगातार जारी रहेगा। फिलहाल जिद पर अड़े ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनसे हम सीधे बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, अभी इनकी क्या मांगे हैं, अभी ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बूट पॉलिश करने के लिए बैठे हैं, ये क्या क्या और कुछ करने वाले हैं, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं और क्या मांगे, किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग 2019 में 14,580 पदों पर भर्ती निकली हुई थी, जिसमें पिछले बार हमने 3 बार आंदोलन कर चुके हैं, ये चौथा आंदोलन है, और हम लगातार सरकार से किसी न किसी प्रकार से अपील कर रहे हैं, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, चाहे मिलने के माध्यम से हो, हर प्रकार का हमने उनसे मिलने का प्रयास किया कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता आ रहा है पिछले 2.5 वर्षों से। हम यहाँ अब आए प्रदर्शन करने के लिए, अब हम जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर सड़क पर धरने में बैठे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग, बूट पॉलिश के ब्रश वगैरह सब रखे हुए हैं, ये प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी और कितनी संख्या में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हम लोग यहाँ पर लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या पर हैं और हम लोग के पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है। कोरोना में हमारा रोजगार भी छिन गया, प्राइवेट स्कूल में हम काम करते थे वो भी अब हमसे छिन गया है। सरकार 2.5 साल से हमारी नियुक्ति रोक के रखी है, हमारे पास आय का साधन नहीं है। हम पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सभी तरह से हम प्रताड़ित हो चुके हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए ताकि बूट पॉलिश करके हम अपना परिवार चला सकें। बिल्कुल, तो कड़ी पढ़ाई करके बहुत सारे ट्यूशन और ये सारी चीजें करके परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और परीक्षा की नियुक्ति के लिए इन्होंने परीक्षा दिया और उसमें सिलेक्शन होने के बाद भी इनका अभी तक जो है तो ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, जिसको लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बैनर पकड़ के खड़ी हैं यहाँ पर, अब बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां भी पीछे यहाँ पर जमीन पर बैठी हैं, ये तपती धूप में गर्म सड़क पर बैठे हुए हो आप लोग। ये प्रदर्शन कहाँ तक जाएगा, कब रुकेगा और आप लोग को प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सर, प्रदर्शन करने के लिए हम मजबूर हैं क्योंकि 14,580 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भूपेश सरकार ने हमसे वादा किया था। हमने अपने तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर दी है। हमारे हाथ में प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है जिसमें लिखा है कि स्कूल खुलने पर तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। स्कूल खुल चुकी है लेकिन इसके बाद भी हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर इस तपती धूप में हमारे सभी साथी व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, सभी के सभी इस धूप में ये आंदोलन करने के लिए, धरना देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। सर, बिल्कुल, अगर शाम तक आपकी बात नहीं मानेगी तो फिर आगे का क्या स्टेप होगा, आप लोग क्या करने वाले हो? बस शाम तक का ये प्रदर्शन है कि आगे भी रहेगा क्या? सर, हम यहीं पर जब तक भूपेश सरकार के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई मतलब रिस्पांस नहीं आता है तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलने वाले सर। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोगों की परीक्षा हो चुकी है, ज्वाइनिंग बची है, अब यहाँ पर इनको अगर
इनकी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो ये लोग लगातार प्रदर्शन करने को यहाँ पर हैं। ये प्रतिबद्ध है, आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, कैमरे का लेंस जहाँ तक जा रहा है, जहाँ पर आपको दूरी दिख रही होगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनकी संख्या दिख रही है। तिरंगे के साथ ये खड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए। तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती है, शाम के बाद भी प्रदर्शन जारी रहेगा। और फिलहाल ये शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। रायपुर से किशन के साथ जेके न्यूज़ 24/7 के लिए सुनील सुधाकर पांडे।